नमस्कार, आप देख रहे हैं बोर्ड स्काई। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है और अगले चार दिनों तक इसकी धूम रहती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि छठी मैया कौन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को छह भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी थी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल बोर्ड्स का सब्सक्राइब करें।